2024 की लड़ाई आखिर औरंगजेब तक कैसे आई? जिथे मोदी जलमाला आले तेथे औरंगजेब जलमाला आला। व्यास तुम्ही जे करता ही औरंगजेबी वृत्ती आहे। बरे लाज वाटली पाहिजे तुला, दोन पक्ष फोडायची वेळ आली तुझ्यावरती। गांधी गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? हताशा निराशा कुंठा भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। जहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत होते ही गाली और अपशब्दों की सियासत भी शुरू हो गई। एक बार फिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसने सभी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर रख दी। जहां चुनाव में औरंगजेब की एंट्री करा दी गई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। संजय राउत ने औरंगजेब को गुजरात से जोड़ा और फिर इसका एक अजीबोगरीब कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से भी जोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार अब हर तरफ से यानी कि सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग और विपक्ष के लोगों की तरफ से बयानों के तीर चल रहे। संजय राउत के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे, ये एक इस वक्त का अपडेट है, क्योंकि संजय राउत के बयान के बाद जब प्रतिक्रिया दी उद्धव ठाकरे ने तो उन्होंने कहा इनकी पार्टी तोड़ने की मानसिकता है, औरंगजेब जैसी ही है ये मानसिकता। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के बयान का भी समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। व्यास तुम्ही जे करता ही औरंगजेबी वृत्ती आहे। घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। भाई देवेंद्र फडणवीस परवा जे बोलले, काय बोलले? मी म्हणे बोललो तर मी पुन्हा येईन, मी दोन पक्ष फोडून परत आलो। अरे लाज वाटली पाहिजे तुला, दोन पक्ष फोडायची वेळ आली तुझ्यावरती। तो औरंगजेब की मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। वहीं संजय राउत ने मोदी की तुलना औरंगजेब से ही कर दी। पीएम के गांव के पास औरंगजेब का जन्म हुआ, औरंगजेब की सोच से महाराष्ट्र पर ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं, ये कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरात मध्ये झाला। गुजरात मध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये आमच्या स्वाभिमानाचे। तो संजय राउत के इस बयान के बाद से हर तरफ से हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लगातार बीजेपी की तरफ से इसका काउंटर भी दिया जा रहा है और कई तरह के बयान सामने आए, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संजय राउत के बयान के बाद जबरदस्त सियासत हो रही है। कैसे ये सियासत हो रही है, किस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, वो भी जरा सुन। गांधी गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। हताशा निराशा कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आना।
मैं मुख्यमंत्री साहब को अपील करता हूं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब को भी अपील करता हूं कि संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का जो है, जो ऑफेंस है, जो नया अभी बना है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर एक गुनाह दाखिल किया जाए। पंतप्रधान के खिलाफ ऐसे वर्ड यूज करना ये बहुत ही गैर कानूनी है। संजय राजाराम राउत ये भूल गया है क्या कि उद्धव ठाकरे ये कोई टिप्पया सुल्तान से कम नहीं है? जिस तरीके से टिप्पया सुल्तान ने हिंदुओं के खिलाफ पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा, उसी तरह उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी ज्यादा से ज्यादा इस्लामीकरण करने का काम यही उद्धव ठाकरे ने किया था। तो कोई औरंगजेब की एंट्री करा रहा है तो कोई टीपू सुल्तान की, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत किसने की? वोट पाने के लिए विपक्ष चुनाव में औरंगजेब को क्यों लेकर आया? 17वीं सदी के क्रूर शासक औरंगजेब का नाम 2024 के चुनाव में क्यों? क्या लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर औरंगजेब वाली गाली भारी पड़ेगी? क्या बौखलाहट में पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं विपक्षी नेता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द विपक्ष की पराजय के संकेत हैं?